नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर एसएससी की तरफ से उनका जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो यहाँ पर घोषित हो चुका है और अगस्त में उनकी कई एग्ज़ाम यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो आरआरसी ग्रुप डी की एग्ज़ाम है वो कितने दिन चल सकती है, क्या 40-45 दिनों में आपकी एग्ज़ाम है उसको यहाँ पर TCS कंडक्ट करवा लेगा, और आपका जो एग्ज़ाम है वो कब से कब तक यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, सब कुछ देखिए। यहाँ पर ये जो वीडियो है ना, ये प्रिडिक्शन के ऊपर है और यहाँ पर काफ़ी हद तक हम कोशिश करेंगे कि आपको सच्चाई दिखा सकें। तो वो सारी चीज़ें, कई चीज़ों के ऊपर फैक्ट लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेल भर्ती के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में टेस्ट बुक जो है उनके प्लेटफॉर्म पे चल रहा है फ्लैश सेल, और ये केवल 24 घंटे के लिए है क्योंकि दोस्तों इनकी जो प्राइस है यहाँ पर बढ़ चुकी है। लेकिन फिर भी आपको एक मौका दिया गया है कि अगर आप इनका ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मात्र 375 में मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम है उनकी टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी। इसमें 550 प्लस एग्जाम है जिनकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और 43,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दिया गया है, अगर आप हमारा कूपन कोड RKP इस्तेमाल करेंगे तो आपको ₹124 का डिस्काउंट मिल जाएगा और ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको मात्र ₹375 में मिल जाएगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिनको आप दीजिए और आपको अच्छा लगे तो दोस्तों आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप आपके सामने खोल रखा है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कीजिए। देखिए बहुत सारे अपडेट आते हैं छोटे छोटे जिनके ऊपर दोस्तों वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है हर बार, तो ऐसे में दोस्तों मैं उनको टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करता रहता हूँ, चाहे आपके रेलवे के नए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिगार्डिंग जो लिस्ट आती है वो, या बहुत सारे अपडेट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही डाल दिया था कि SSC ने अपना एग्जाम कैलेंडर यहाँ पर जारी कर दिया गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ये आपका SSC का एग्ज़ाम है। और यहाँ पर आप एग्ज़ाम के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 10 है, इसके एग्ज़ाम दोस्तों रेलवे है वो अगस्त 2022 में लेने वाला है। ये आपका एग्ज़ाम है और उसके बाद में डायरेक्ट आपका अक्टूबर के अंदर एग्ज़ाम है, यानी कि अगस्त के बाद आपका पूरा सितंबर जो महीना है वो आपका खाली है। और देखिए अक्टूबर में तो हम शायद ही कुछ दिन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आपका सेंटर खाली हो, क्योंकि देखिए अक्टूबर में 4 एग्ज़ाम है जो आपके जो TCS है कंडक्ट करवाएगी। एक आपका हेड कांस्टेबल है ना, जो आपका दिल्ली पुलिस का है, ये भी आपका कांस्टेबल ड्राइवर का, एक आपका हेड कांस्टेबल AWP TDO और आपका जूनियर जो हिंदी ट्रांसलेटर वगैरह है इनका, तो 4 एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट होंगे। तो एक हिसाब से शायद आपका आधे से ज़्यादा जो आपका अक्टूबर है उसमें बिजी रहेगा। और एक दोस्तों अभी रेलवे ने यहाँ पर एक और अपडेट निकाला है ये जस्ट थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने अगस्त के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाली है ना उनका डिटेल यहाँ पर बताया है। तो देखिए एक आपका फेज 10 जो है ना उसके एग्ज़ाम डेट डाल दी है, 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच होगा, उसके अलावा 2-3 दिन का गैप है। उसके बाद में जो आपका CGL Tier 2 है ना उसका एग्ज़ाम में इन्होंने चेंज किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच होगा, और उसके बाद में यहाँ पर जो CGL Tier 3 है वो यहाँ पर लिया जाएगा। और देखिए ये आपका CBT पेपर नहीं है, ये आपका पेन एंड पेपर है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका 21 अगस्त का हो तो उसके में कोई टेंशन देने की नहीं है। यानी कि दोस्तों यहाँ से हम देखें तो TCS जो है अगर SSC के अकॉर्डिंग देखें तो 10 आपका जो अगस्त है उसके बाद में फ्री है, और हमारी जो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है वो आपके 17 अगस्त से टेंटेटिवली शुरू हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर अगर 17 अगस्त से भी मैं एग्ज़ाम शुरू माने तो 17 अगस्त में हमारे पास ये 12-13 दिन है, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास पूरा सितंबर है, और आपका अक्टूबर के अंदर भी हो सकता है कि 5-7 दिन यहाँ पर आपको मिल जाए। तो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने जो है ना वो TCS के पास रेलवे के लिए रिजर्व है। अब मैं आपको एक यहाँ पर डेटा दिखाऊंगा जिसे दोस्तों आप यहाँ पर और अच्छा पॉजिटिव फील कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम जल्दी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अभी क्या है दोस्तों, SSC MTS का एग्ज़ाम हुआ, और SSC MTS में मैंने देखिए बहुत सारे सोर्सों से न्यूज़ निकालने की कोशिश करी है, तो अप्रोक्सीमेटली 40 लाख यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं, और उन 40 लाख की जो एग्ज़ाम है ना 15 दिन के अंदर रेलवे ने करा लिया है। अब देखिए ऐसा क्यों है, देखिए पहले क्या था कोविड पैंडेमिक के अंदर 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो रहा था, सोशल डिस्टेंस को देखना, कई चीज़ें होने के कारण यहाँ पर एग्ज़ाम थोड़ी लंबी खींची थी, और आपने CBT 2 में भी देखा लंबी खींच गई थी। लेकिन CBT 2 के बाद जो है यहाँ पर 3 जो शिफ्टें उनमें एग्ज़ाम यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर अब देखो आपके जो जगह है वो भी वहाँ पर बढ़ा दी गई है TCS ने कॉलेज वगैरह में, तो इससे एग्ज़ाम क्या जल्दी हो रही है। तो यहाँ पर इस डेटा को हम देखें तो देखिए 45 दिन के अंदर TCS ने 40 लाख कैंडिडेट की एग्ज़ाम करवा ली, तो यहाँ पर हमारे पास लगभग 1.25 करोड़
आपके एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के फॉर्म है, तो उनको कराने में देखो अगर हम एक रेशियो देखें तो अप्रोक्सीमेटली 45 दिन के आसपास आपके एग्ज़ाम यहाँ पर चल सकती है। बाकी दोस्तों जल्दी आपका जो इस महीने के एंड तक, आपका जुलाई के एंड तक आपका जो शेड्यूल है यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब से यहाँ पर शुरू होगा और ये फेजों में होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका 3 महीने अप्रोक्स एग्ज़ाम चलेगा, तो दोस्तों 3 महीने नहीं चलेगा, उस दिन मेरे से गलती हो गई थी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम यहाँ पर जल्दी हो जाएगा। और देखिए अगर RRC वाइज होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। बाकी देखिए देखते हैं दोस्तों रेलवे जब आपका इस बारे में शेड्यूल डालेगी तब आपका ये चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल यही है कि आपने SSC ने जो आपका ये डाला है उसके अनुसार आपका लगभग 45 दिन यहाँ पर 45 से 50 दिन मिल रहे हैं TCS को, और इसी बीच में आपका जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम है यहाँ पर कंडक्ट करवाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।